नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगामी 7 और 8 तारीख को राजस्थान पुलिस की परीक्षा होने वाली है और राजस्थान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जानी है। और ये राजस्थान पुलिस वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये नए तरीके से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीकों को मैंने अपनाया है, सभी तरीकों को। तो दोस्तों, बने रहे हमारे पूरी वीडियो में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में क्योंकि उन को भी इस वीडियो का लाभ भी मिल सके। तो शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, आदिवासी युवतियां द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है। आदिवासी युवतियां द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है। ऑप्शन है चुंडरी, कटकी, लुंगड़ी, चूनड़। तो फटाफट से मुझे इसका सही आंसर बताओ, लिख के आप इसका सही आंसर क्या है। चुनरी है या कटकी है या चूनड़ है या लुंगड़ी है। तो कौन सा जो वस्त्र है जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, उस ओढ़नी का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस ओढ़नी का नाम है कटकी। क्या है? कटकी। तो हमारी राइट आंसर है सही, तो वो है 2 नंबर, कटकी। क्योंकि कटकी जो है आदिवासी युवतियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक प्रकार की ओढ़नी है। तो हमारा राइट आंसर सही होगा, कटकी। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र सुसुर नहीं है? सुसुर का आप जानते होंगे, हमारे जो 3 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, सुसुर, तत् और घन। सुसुर जो होते हैं वो फूंक से बजाए जाते हैं, फूंक देने के बाद। और एक वो होते हैं जो तार लगा हुआ आता है उस वाद्य यंत्र में, और एक वो होता है जो ढोलक ऐसे हाथ की थाप देकर उसको बजाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका, यहाँ दिखाना है आपको सुसुर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन है अलगोजा, मशक, बांसुरी, दमामा। तो यहाँ सुसुर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अलगोजा, मशक, बांसुरी, दमामा, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दमामा। दमामा ये वाद्य यंत्र जो है वो फूंक से नहीं बजाया जाता है। ये अलगोजा फूंक के द्वारा बजता है, बांसुरी पता है आपको, मशक, मशक आपको पता होगा एक प्रकार से जो बकरी की खाल होती है और उसमें एक बांसुरी लगा दी जाती है, फूंक के द्वारा बजाया जाता है, तो वो मशक होती है। तो हमारा जो राइट आंसर सही था वो था 4 नंबर, दमामा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत बताइए। यह 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों का असंगत जो है मिलाना है उसको आपको छांटना है। तो पहला जो है वो है डोडिया सिक्के जोधपुर, पृथ्वी शाही सिक्के झालावाड़, माधव शाही सिक्के शाहपुरा, मड़क शाही सिक्के करौली। तो असंगत जो युग में है उसको पहचानना है। तो इसका सही का आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो सही इसका आंसर है जो, देखो, माणिक शाही सिक्के करौली द्वारा चलाए गए थे, माधव शाही सिक्के सांपरा था और पृथ्वी शाही सिक्के झालावाड़ द्वारा चलाए गए, लेकिन डोडिया सिक्के जो थे वो जोधपुर के द्वारा नहीं चलाए गए, इसलिए जो हमारा राइट आंसर सही होगा वो होगा 1 नंबर, सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संगत बताइए। सही बताना है आपको,
ऑप्शन है चारण साहित्य राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। अगला है शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 8 प्रकार हैं। नेक्स्ट है जयपुर में ईसर लाट का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। नेक्स्ट है छत्रविलास झील अलवर में स्थित है। यहाँ आपको संगत यानी सही पहचानना है। यह सही जो उद्योग में है या हमारा जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर जो है वो है 1 नंबर, चार साहित्य राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य। सही आंसर है 1। अगला क्वेश्चन, मूछाला महावीर किस जिले में स्थित है? मूछाला महावीर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। क्या है इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाली में। कहाँ स्थित है? पाली में। तो राइट आंसर सही हमारा 3 नंबर, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर। क्या सही आंसर है? बाड़मेर। पर्यटन मरु मेला कहाँ बरता है? पर्यटन मरु मेला कहाँ बरता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है 1, जैसलमेर। पर्यटन मरु मेला कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है किराड़ू के सबसे बड़े सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला किस शैली की है? नागर शैली की, बीकानेर शैली की, मेवाड़ शैली की, उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर है 1, नागर शैली। तो सबसे बड़े जो किराड़ू का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर, तो उस वो जो स्थापत्य कला नागर शैली में है। अगला क्वेश्चन है उस 5 मंजिले भवन का क्या नाम है जिसका निर्माण कर सिलावटियों ने इसे 1830 ईस्वी में जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा बैरी साल को भेंट किया था? ऑप्शन है बड़ा बाग, ताजिया टावर, बादल विलास महल, सालिम सिंह की हवेली। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है द सालिम सिंह की हवेली। तो बस 5 मंजिल भवन, 5 मंजिल का ये भवन है। इसका निर्माण सिलावटियों ने किया था 1830 में, और जैसलमेर के जो तत्कालीन महाराजा थे बैरी साल को भेंट किया था। सही आंसर है 4, बैरी सालिम सिंह की हवेली। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विमल साई मंदिर कहाँ स्थित है? विमल साई मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देलवाड़ा, नाकोड़ा, ऋषभदेव, ओशिया। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है 1, देलवाड़ा। देलवाड़ा में जो जैन मंदिर हैं उनको विमल साई का मंदिर भी कहा जाता है। सही आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है पग बाबड़ी बाड़मेर में कहाँ स्थित है? पग बाबड़ी बाड़मेर में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिवाना, जसोल, मुकलसर, बालोतरा। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, मुकलसर। पगबाबड़ी जो है वो मुकलसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है?
ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, नागौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है एक, जोधपुर में बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा मेला लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा के तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है? जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा के तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राम सेवक, राम कुसरे, जात्रु, उक्त कोई नहीं। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है तीन, जात्रु। तो रामदेव वहाँ के जो तीर्थ यात्री होते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, उनको जात्रु कहा जाता है। सही आंसर है तीन। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव द्वारा जिस जगह पांच पीरों को पर्चा दिया गया था वह जगह क्या कहलाती है? पंच पीपली, पंचतरु, नेजा, पंचामढ़ी। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है एक, पंच पीपली, पंच पीपली। अगला क्वेश्चन है, मूमल और महेंद्र की दंत कथाओं के लिए जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोद्रवा, तेमड़ी राय, चुंगी, पोकरण। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखकर बताएं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है एक, लोत्रवा। सही आंसर है एक, लोत्रवा। अगला क्वेश्चन, कड़ सारो है। ऑप्शन है एक प्रकार का बढ़िया रेशमी वस्त्र, एक प्रकार का बढ़िया रेशमी वस्त्र, गोबर व मांस की खपच्चियों का बना अनाज भरने का कोठा। अगला, तराजू की नोक पर बंधी रहने वाली एक छोटी डोरी। अगला, घी भरने या परोसने की एक कटोरी। तो ये सही आंसर है इसका दो, गोबर वो बांस की खपच्चियों का बना अनाज भरने का कोठा कहलाता है कड़सारो। अगला क्वेश्चन, गंजीफा घोड़ा दड़ी, डाल कोदावड़ी है राजस्थान के लोक पर्व, राजस्थान के लोक खेल, राजस्थान की लोक विभूषाएं, आभूषण। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो ये सही आंसर इसका दो नंबर, राजस्थान के लोक खेल हैं गंजीफा, घोड़ा दड़ी, डाल कोदावड़ी। अगला क्वेश्चन है, गठुलियो है। ऑप्शन है लुआ कूटने का मोटा हथौड़ा, गायों का रखने का स्थान, स्त्रियों के पैर की अंगुलियों का आभूषण विशेषज्ञ, पत्थर की छोटी चक्की। गुटलियो। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है पत्थर की छोटी चक्की कहलाती थी गुटलियो। सही आंसर है चार, पत्थर की छोटी चक्की। अगला प्रश्न है, लोक तेजाजी पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुआरी किस जिले में है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है एक, बूंदी। बांसी दुआरी का जो लोक तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल है बूंदी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, धनुष लीला त्योहार मनाया जाता है, धनुष लीला त्योहार मनाया जाता है चीपा, बड़ौद बारा, अटरू बारा, अंता बारा, मांगरोल बारा। क्या है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है अटरू बारा, अटरू बारा। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़्यादा करें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।